गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारे गेम के अंदर बिल्कुल ही नए आने वाले फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट आप लोगों को पता है आने वाला है, तो आप लोग जो हमारा फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट है उसको कैसे कंप्लीट कर पाओगे एंड उसके अंदर से जितने भी यहाँ पर फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं वो सारे के सारे फ्री के रिवॉर्ड्स कैसे ले पाओगे, आज की वीडियो के अंदर आप लोग को अच्छे से समझाने वाला हूँ। जिससे दोस्तों यार आप लोग जब हमारे गेम के अंदर फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट आए एंड उसके अंदर दौरान जितने भी इवेंट आए उन सारे इवेंट्स को आप लोग इजिली कंप्लीट कर सको एंड जितने भी रिवॉर्ड्स रहे उन रिवॉर्ड्स को फ्री में क्लेम कर सको बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो सारा सोल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर कर लो, जिससे यार कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके आप लोग की, ठीक है। तो चलो दोस्तों यार सबसे पहले यहाँ पर जो कन्फर्म इवेंट हो चुका है उसके बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों यार आप लोगों को पता होगा कि रेड क्रिमिनल रिलेटेड काफ़ी ढेर सारी न्यूज़ यहाँ पर वायरल हो रही है कि हाँ भाई रेड क्रिमिनल रिटर्न बैक आने वाला है। दोस्तों फाइनली इसकी जो डेट है वो भी कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा बिल्कुल ही नया रेड क्रिमिनल आने वाला है वो दोस्तों 13 तारीख से लेके पूरा का पूरा यहाँ पर चलने वाला है हमारा 19 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, 6 दिन का ये रहेगा पूरा का पूरा इवेंट। अब ये जो बंडल रहेगा इसके अंदर दोस्तों यार हम लोग को जो हमारा क्रिमिनल वाला बंडल रहेगा सारा का सारा बंडल देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों यार हम लोग को रेड क्रिमिनल, पर्पल, येलो, ब्लू एंड जितने भी क्रिमिनल वाले बंडल है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यार इसके जितने भी रिलेटेड आइटम्स है वो भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर बात इवेंट के दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इससे रिलेटेड दो इवेंट यहां पर कंफर्म हो जा रहे हैं, ठीक है। जो पहला इवेंट है दोस्तों वो है दोस्तों यार यहाँ पे हमारा इंक्यूबेटर एंड दूसरा जो इवेंट है वो है दोस्तों यार टोकन टावर इवेंट, ठीक है। अगर इंक्यूबेटर के अंदर दोस्तों आएगा तो जितने भी यहाँ पर क्रिमिनल बंडल हैं सारे के सारे बंडल हम लोग को रिटर्न बैक उसी इंक्यूबेटर के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यार अगर यहाँ पर हमारा फिफ्थ एनिवर्सरी स्पेशल रेड क्रिमिनल का टोकन टावर इवेंट आता है तो उसके अंदर दोस्तों यार हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही रेड क्रिमिनल बंडल देखने को मिलेगा एंड उसकी थीम पर बेस्ड जितने भी आइटम जैसे कि दोस्तों यार इमोट है, ग्लू वॉल की स्किन है, बाइक की स्किन है एंड जो भी छोटे मोटे रिवॉर्ड्स हैं वो उस टोकन टावर इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब यहां पर बात आती है कि भाई कौन सा इवेंट आएगा, तो आप लोगों को बस वेट करना है 13 तारीख का। 13 तारीख जैसे ही आएगी दोस्तों उसी के बाद यार कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई जो हमारा टोकन टावर इवेंट आएगा रेड क्रिमिनल के लिए या फिर दोस्तों आएगा इंक्यूबेटर, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं फिस्ट की स्किन, क्योंकि यार फिस्ट की स्किन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यार फिस्ट की स्किन की आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। तो देखो दोस्तों यार अभी के टाइम पर जो फिस्ट की स्किन से रिलेटेड लीक निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यार फिफ्थ एनिवर्सरी स्पेशल हम लोग को फेडेड व्हील इवेंट देखने को मिलेगा एंड बताया जा रहा है कि फेडेड व्हील इवेंट के अंदर दोस्तों यार जो हमारी फिफ्थ एनिवर्सरी स्पेशल फिस्ट की स्किन है वो हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अगर फिस्ट की स्किन फेडेड व्हील इवेंट में आएगी तब तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, हर एक प्लेयर इसको जो है आसानी से ले पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा फिफ्थ एनिवर्सरी का मेन इंटरफेस यानी जो वेब इवेंट रहेगा उसके अंदर यार आप लोग को क्या कुछ करना पड़ेगा, कैसे उसको कंप्लीट करके मेन जो रिवॉर्ड्स रहेंगे वो आप लोग ले पाओगे, चलिए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यार आप लोगों ने फिफ्थ एनिवर्सरी का ये ट्रेलर तो देख ही लिया होगा एंड वेब इवेंट जो उसका ओपन होगा वो भी आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा, ठीक है। अब इसके अंदर से यार जितने भी फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो भी चलिए मैं आप लोगों को अच्छे से समझा ही देता हूँ, क्योंकि यार मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई कैसे यार आप लोग को ये इवेंट कंप्लीट करना है उसी के बारे में आज के वीडियो के अंदर आप लोग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यार सबसे पहले 203 आप लोग कुछ अच्छे अच्छे यहाँ पर इवेंट जो है देखने को मिल जाएंगे जो कि यार मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड इन सारे इवेंट्स के अंदर दोस्तों यार आप लोगों को काफी ढेर सारे फ्री के रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों यार अभी आप लोग यहाँ पर एक देख रहे हो कैलेंडर एंड इस कैलेंडर के अंदर जितने भी रिवॉर्ड्स है उसमें से मान के चलो यार 70% जो रिवॉर्ड है वो कन्फर्म है, 20-30% जो है यहाँ पर चेंज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार ये कैलेंडर जो है थोड़ा सा हमारे अदर फ्लोर का है, लेकिन हाँ 70% मान के चलो कि सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग को देखने मिलेगा। अब इसके अंदर दोस्तों यार अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो काफी ढेर सारे फ्री के रिवॉर्ड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यार यहाँ पे एक जर्सी वगैरह भी हम लोग को फीमेल का देखने को मिल रहा है एंड कस्टम कार्ड वगैरह भी है जो कि आप लोग को फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट के दौरान बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा यहाँ पर कैलेंडर है, कैलेंडर के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों यार हम लोग को फ्री का मैजिक क्यूब देखने को मिल रहा है, कस्टम रूम कार्ड देखने को मिल रहा है, सरबोर्ड, पैरासूट एंड ऐसे छोटे छोटे काफी ढेर सारे रिवॉर्ड्स है जो कि हम लोग को इस इवेंट के अंदर से क्लेम करने को मिलेंगे। अब भाई ये सारे रिवॉर्ड्स कैसे क्लेम करने को मिलेंगे वो भी चलिए मैं आप लोगों को
बता देता हूँ। तो देखो दोस्तों यार, मैं आप लोग को अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना मेरी बातों पर, कि जो हमारा 5th एनिवर्सरी का स्पेशल वेब इवेंट आएगा उसके अंदर दोस्तों यार सबसे पहले आप लोग को लॉग इन रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। अब लॉग इन रिवॉर्ड के अंदर कौन सा रिवॉर्ड आ रहा है उसके बारे में बात करें तो देखो दोस्तों, 2 से 3 रिवॉर्ड है जो कि यार कोई ना कोई एक देखने को मिल सकता है, जिसमें दोस्तों यार आप लोग को लेजेंडरी बैकपैक सबसे पहले चीज़ देखने को मिल सकता है, या फिर दोस्तों कोई ना कोई एक इमोट देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड हाँ, इसके अलावा जो एक और अच्छा सा रिवॉर्ड है वो है दोस्तों हमारा बिल्कुल ही नया आयरिस कैरेक्टर या फिर जे बिप्स कैरेक्टर। अब इन तीनों रिवॉर्ड्स में से कोई ना कोई एक रिवॉर्ड आप लोग को पीक डे लॉग इन रिवॉर्ड यानी जो लॉग इन रिवॉर्ड मेन डे रहेगा उस दिन आप लोग को क्लेम करने को मिल सकता है, जो कि रहेगा 27 अगस्त के दिन। अब उस दिन चाहे आप लोग को गरीना फ्री फायर बैकपैक दे दे या फिर दोस्तों इमोट दे दे या फिर कोई ना कोई कैरेक्टर आप लोग को दे सकता है। और हाँ दोस्तों यार, एक चीज़ मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी ढेर सारे बंदों के मन में यही डाउट है कि भाई जब हमारा 5th एनिवर्सरी इवेंट आएगा तो क्या जी बिप्स वाला जो जस्टिन बीबर वाला इवेंट है उसके बाद आएगा। तो देखो दोस्तों यार, ये भी डाउट मैं आप लोग का क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा जस्टिन बीबर का इवेंट है एंड जो हमारा 5th एनिवर्सरी इवेंट है, ये दोनों एक ही इवेंट रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 5th एनिवर्सरी स्पेशल हम लोग को कोलैब इवेंट देखने को मिल जा रहा है जस्टिन बीबर के साथ। तो जो भी यार जस्टिन बीबर की थीम पर बेस्ड आइटम थे, वो सारे आइटम्स हम लोग को इसी 5th एनिवर्सरी इवेंट के अंदर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसा कि दोस्तों यार आप लोगों को पता ही होगा, जस्टिन बीबर इवेंट की थीम पर बेस्ड यहाँ पर हम लोग को काफ़ी ढेर सारे रिवॉर्ड, जैसे कि दोस्तों यार कैरेक्टर के साथ साथ यहाँ पर बैकपैक, पैराशूट, ग्लू वॉल एंड साथ ही साथ दोस्तों एनिमेशन एंड स्काई विंग की भी स्किन निकल के आई हुई है, लेजेंडरी कार की भी स्किन निकल के आई हुई है। तो ये सारे रिवॉर्ड जो है दोस्तों यार आप लोग को इसी 5th एनिवर्सरी इवेंट के दौरान ही देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि 5th एनिवर्सरी का जो वेब इवेंट रहेगा उसके अंदर जो भी यार 5th एनिवर्सरी की थीम पर बेसिकली बेस्ड आइटम है वो वहाँ पर अवेलेबल करा दिए जाएँ, एंड जो हमारा जे बिप्स की थीम पर बेस्ड आइटम रहेंगे वो हो सकता है कि का हम लोग को गेम के अंदर इवेंट देखने को मिले, मतलब हो सकता है वेब इवेंट आ जाए जहां पे आप लोग को डायमंड लगाना पड़े, क्योंकि यार कोलैब का आइटम जो है फ्री में गरेना फ्री फायर नहीं अवेलेबल कराता है, बहुत कम ही चांस रहता है कि हम लोग को फ्री में देखने को मिल जाए एक आध दो आइटम। नहीं तो दोस्तों यार जस्टिन बीबर इवेंट की थीम पर भी जितने भी आइटम्स रहेंगे वो आप लोग को पेड ही देखने को मिल जाएंगे, उसके लिए दोस्तों यार आप लोग को डायमंड लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद आप लोग जो भी रिवॉर्ड रहेंगे क्लेम कर पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों यार मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारा 5th एनिवर्सरी स्पेशल इवेंट आएंगे उसके अंदर से दोस्तों यार आप लोग को जो पैराशूट हो गया, गन की स्किन हो गई, इसके अलावा बैट की स्किन हो गई, परांग की स्किन हो गई, पैन हो गया, लूट बॉक्स एंड साथ ही साथ बैकपैक वगैरह जो है आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिलेगा, जो कि यार नॉर्मल से रिवॉर्ड है। इसके अलावा दोस्तों यार आप लोगों को एक फीमेल का बंडल 100% कन्फर्म बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलेगा, फ्री का मैजिक क्यूब भी आप लोग को क्लेम करने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यार आप लोग को मैजिक क्यूब स्पेशल स्टोर भी देखने को मिलेगा अपडेट में, ठीक है। तो अपडेट में क्या आएगा मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर उसकी एक सेपरेट वीडियो जल्दी से लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट जरूर रखना, वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे दोस्तों, एंड हाँ अगर अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। एंड हाँ दोस्तों यार मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा 5th एनिवर्सरी इवेंट है इसके दौरान दोस्तों यार हम लोगों को कुछ ऐसे भी रिवॉर्ड्स या फिर कुछ ऐसे भी इवेंट देखने को मिलेंगे जो कि यार बहुत ज़्यादा ओपी रहने वाले हैं, जिसके अंदर से दोस्तों यार आप लोगों को काफ़ी ढेर सारे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जो रहेंगे वो क्लेम करने को मिलेंगे। तो उनमें से यार काफ़ी ढेर सारे रिवॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दी है, बाकी के जो यार छोटे मोटे बचे हुए थोड़े बहुत रिवॉर्ड्स वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन अगर आप लोग वो सारी चीज़ें मिस नहीं करना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट जरूर रखना है।